हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास दो पाइन ट्रीज हैं जो मैंने जलाराम नर्सरी से लाए थे एंड आई थिंक दे आर चीर पाइन एंड आज हम लोग इनको बोनसाई ट्रेन करेंगे। आई विल जस्ट यूज वन ट्री आउट ऑफ दीज टू बिकॉज दूसरा मुझे बैकअप रखना है इन केस इफ इट डज नॉट सर्वाइव देन वापस से पाइन ट्री मिलना थोड़ा मुश्किल है मुझे, तो इसलिए मैंने दो ट्रीज खरीदे थे उनसे। सो उन दोनों में जो सबसे हेल्दी लग रहा है आई थिंक दिस वन, या सो आई विल डू रिपोर्टिंग ऑफ दिस ट्री टुडे एंड जो दूसरा है उसको मैं जस्ट साइड में रखने वाला हूँ and it will act as a backup just in case this does not survive. So guys, stay tuned to Thriller Bonsai. So guys, ये है अपना पाइन ट्री एंड आज हम लोग इसके ऊपर काम करने वाले हैं। पहले इसका व्यू दिखा देता हूँ मैं। सो इट इज लुकिंग, सो वी हैव टू फर्स्ट रिमूव बर्ड फीडर के नीचे रखा था तो उसका वही साइड इफेक्ट ये है कि ये सब वीड्स आने लगते हैं उसमें से। रिमूव ऑल दोज वीड्स एंड पहले तो इस बैग को रिमूव करते हैं हम लोग। सो आई नेवर हैड सक्सेस विद एनी ऑफ द पाइन ट्रीज बिफोर, सो आज मैं फिर से कोशिश करने वाला हूँ टू रिपोर्ट दिस पाइन ट्री। तो बर्ड फूड काफ़ी कलेक्ट हो चुका है इसकी वजह से वी गॉट दिस जर्मिनेशन हैपनिंग। You can see some insects. ये spring tails होते हैं। I don't know ये क्यों आते हैं, but we always get this on most of our trees. काफी सारे स्प्रिंग टेल्स दिख रहे हैं अपने को, स्मॉल 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 इंसेक्ट्स। सी दैट, सो मेनी इंसेक्ट्स। सो आई वंडर इफ वो कुछ डैमेज करते हैं क्या रूट्स को। आई डोंट नो इफ दे आर हार्मफुल और नॉट। अभी के लिए लेट्स स्टार्ट ट्रैकिंग द रूट्स, लेट्स सी व्हाट वी हैव गॉट हियर। सॉइल इज मॉइस्ट एंड पाइन ट्रीज को एकदम परफेक्ट वाटरिंग लगता है ऑल द टाइम। यू कांट गिव टू मच मॉइस्चर टू देम, एट द सेम टाइम ड्राई भी नहीं होने देना है। सो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ग्रो पाइन ट्रीज, एटलीस्ट मुझे तो बहुत डिफिकल्ट लगता है पाइन ट्रीज ग्रो करना। विल ट्राई आवर बेस्ट, देखते हैं कि ये पाइन ट्री सर्वाइव होता है कि नहीं। We always have a backup. अपने पास और एक पाइन ट्री है। For now, I have to focus on this tree. सब वीड्स है यहाँ पे।
सॉइल निकल गया है पीछे का पूरा। सो रूट्स तो हेल्दी नहीं है इसके, बहुत कम रूट्स है, वेरी लेस रूट्स वी हैव। सबसे पहले इसको हम लोग वॉश करते हैं अच्छे से, देन वी विल वर्क ऑन दीज रूट्स। सो आई हैव सम फ्रेश वाटर विथ मी, इसमें हम लोग इसको वॉश करेंगे। That's fine. Thanks. And we plan to plant it in a white pot. इसमें बहुत खूबसूरत दिखेगा, pine tree in a white pot look really awesome. ऐसे हम लोग इसको लगाएंगे। How beautiful this will look. Wow. बट लगाने से पहले डेफिनेटली वी हैव टू वर्क ऑन द रूट्स। सो रूट्स पे थोड़ा काम करते हैं, सी विच रूट्स टू कीप एंड उनसे रिमूव करने होंगे अपने को। सो यू वॉन्ट रियल रूट्स, एंड ये जो रूट है वो काफ़ी लंबा है, इट्स ग्रोइंग टू लॉन्ग, सो यू हैव टू शॉर्टन दैट अप। सो जहाँ पे वो बेंड हो रहे हैं वहीं पे आई एम गोइंग टू कट इट। जहाँ पे वो बेंड हो रहा है I'm just going to cut it like this. So, ये लंबा रूट प्रून कर दिया। बाकी के रूट्स दे आर लुकिंग गुड, काफी स्ट्रॉन्ग नहीं है बट विल हैव टू प्रून देम, प्रोफाइल प्रूनिंग दूंगा मैं उनको। Because we don't have more roots, so इसलिए I don't want to take any other risk. That's fine for me. मैं इन roots में खुश हूँ, and I'll have to plant it now in this pot. बहुत कम roots हैं. If you look at the foliage बहुत ज़्यादा है, roots बहुत कम है. Let's hope that this tree survives. So मैं थोड़ा soil लेके आता हूँ, and I'll plant this tree. सो एक लेयर ऑफ सॉइल में ऐड करता हूँ नीचे। इसके ऊपर मैं इस ट्री को रखने वाला हूँ, बिसाइड द फ्रंट ऑफ दिस ट्री। दिस लुक्स गुड, साइड ब्रांचेस है इस तरफ। Fine. एक व्यू दिखा देता हूँ, दिस इज हाउ इट विल लुक। सबसे पहले इसको रूट्स को रेडियल वे में स्प्रेड आउट कर रहा हूँ मैं, एंड आई एम गोइंग टू ऐड मोर सॉइल इनटू इट।
सेंटर में है कि नहीं चेक करेंगे. लुक्स फाइन. सो थोड़ा भी एयर पॉकेट्स रिमूव करते हैं इनके. सो इसको मैं इनके लिए थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ. वी हैव टू डू इट वेरी स्लोली. Back to normal speed. So guys, ये अभी टाइट हो गया है नाइसली. इट इज फिटिंग इन साइड द पॉट एंड अभी हम लोग इसको अच्छे से वाटरिंग देंगे. आई ऑल्सो कवर दिस विद अ प्लास्टिक बैग बिकॉज आई रियली वॉन्ट दिस ट्री टू सर्वाइव. सो मैं आई ट्राई माई बेस्ट. पाइन ट्री को ज़्यादा पानी पसंद नहीं होता है. सो आई हैव टू वाटर वेरी लेस. At the same time, I have to moist all the roots. It's a bit challenging. I think that should be fine. Ye drain ho jayega pani. It's a well draining soil, so you can see water draining out nicely. अच्छे से ड्रेन होने दूंगा मैं सबसे पहले. सो गाइस, दिस इज द फाइनल लुक ऑफ द ट्री. आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये इन दिस व्हाइट पॉट. बट दिस द थिंग दैट इट हैज टू सर्वाइव. सो हर कोशिश करेंगे हम लोग इसके लिए एंड स्टार्ट इट विद पुटिंग दिस प्लास्टिक. प्लास्टिक है, प्लास्टिक से कवर करने वाला इस ट्री को मैं टू मेंटेन द ह्यूमिडिटी लेवल इनसाइड. एट द सेम टाइम लाइट भी अंदर जा पाएगा बिकॉज इट इज ऑल ट्रांसपेरेंट. एंड आफ्टर टू डेज और टू टू फोर डेज के बाद आई विल कीप चेकिंग दिस, मॉनिटर दिस. The tree is doing and आपको अपडेट्स भी देते रहूँगा. सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे. अभी इसको मैं शेड में रखूँगा एंड लेट्स सी हाउ वेल इट परफॉर्म्स. सो गाइस, ये है अपने पास अपना एलपीजिया ट्री
एंड इसको हम लोग को बड़े पॉट में लगाना था, सो वो भी आज हम लोग कर देंगे। इसको मैं जस्ट रिमूव कर रहा हूँ इस पॉट में से, एंड जैसे कि आप देख सकते हो बहुत डेंस रूट्स है इसके, एंड रूट्स के ऊपर मैं कुछ काम नहीं करने वाला हूँ अभी। आई एम जस्ट गोइंग टू ट्रांसप्लांट इट इन टू अ बिगर कंटेनर, एंड शायद ये बहुत स्ट्रॉन्ग टैप रूट है, उसको शायद मैं प्रून कर सकता हूँ। काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है टैप रूट। सो काफी स्ट्रॉन्ग है इसके टैप रूट। आई एम नॉट श्योर आई शुड बी रिमूविंग इट और नॉट राइट नाउ, बिकॉज ये अभी भी सीडलिंग ही है। सो आई थिंक आई शुड प्लांट इट जस्ट लाइक दिस, इसको ग्रो होने देते हैं, एंड आफ्टर इट इज बिग फिर इसके ऊपर हम लोग और काम करेंगे। फिलहाल के लिए आई एम जस्ट गोइंग टू प्लांट इट इन टू अ बिगर पॉट। थोड़ा सा ऑयल ऐड करता हूँ मैं। इसके ऊपर और थोड़ा सॉइल डालते अभी के लिए ऐसे रखेंगे इसको, विल अलाउ इट टू ग्रो, एंड और थोड़ा थिक होने के बाद ये जब स्टेम इसका थिक होएगा तभी हम लोग विल वर्क ऑन द रूट्स। अभी के लिए सो गाइस नाउ इट्स टाइम फॉर टुडेज अपडेट। आज के अपडेट में है ये एक गुआवा ट्री जिसके ऊपर प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने काम किया था, एंड इट्स ग्रोइंग रियली नाइसली एंड इट हैज प्रोड्यूस्ड न्यू ब्रांचेस। देख सकते हो यहाँ से ये सब नए ब्रांचेस निकले हैं, एंड इट्स लाइक द ट्री हैज मेड इट नाइसली, अलाउ इट टू ग्रो एंड उसको अच्छे रेडियल रूट्स प्रोड्यूस करने होंगे। लेट्स होप इट डज। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिए एंड मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू थ्रिलर बॉन्साई। गुड बाय, टेक केयर।